अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल के एच ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 19 और 20 जो है वो आपकी जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू में है, और एब्सोल्यूट वैल्यू में आपको पता है कि आपके पास दो आंसर छुपे होते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। ठीक है, आपने डेफिनेट इंटीग्रल्स जो है वो फाइंड करने हैं इनके। डेफिनेट इंटीग्रल वो होता है जिसमें आपके पास अपर और लोअर लिमिट दी होती है। आप फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, जैसे आप इंटीग्रेट करते हैं और उसके बाद इंटीग्रेशन का जो आंसर आता है उसमें आप अपने वेरिएबल की जगह एक दफा अपर लिमिट लगाते हैं, माइनस फंक्शन में एक दफा आप अपने वेरिएबल की जगह पर लोअर लिमिट लगाते हैं, इसे आप कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, अब आपके पास है एक्स माइनस थ्री की एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में एक वैल्यू प्लस में आती है, एक वैल्यू माइनस में आती है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मैं उसको प्लस में लिखूं कि मैं माइनस में लिखूं। जब उसके साथ दोनों वैल्यूज हैं तो मैं उसको प्लस में भी लिखूंगी और मैं माइनस में भी लिखूंगी। तो इसके लिए हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट वाला, जो आप चैप्टर नंबर 3 में भी देखकर आए हैं। ठीक है, आपके पास ये पॉइंट क्या दिया हुआ है, 3। इसका मतलब है आपके एक्स ने अप्रोच करना है 3 को। जब 3 को ये लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा, 3 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा तो यहां 3 से छोटा नंबर पड़ा है। ठीक है, यहां अगर आपके पास 2 है तो यहाँ पर 2.1 है, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, यहाँ 2.9 है। ठीक है, तो जब आप 3 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो 3 के सबसे करीब नंबर 2.9 है। अब जब आप यहाँ पर x की जगह पर 2.9 रखेंगे और माइनस 3 करेंगे, यू गेट नेगेटिव 0.1। ठीक है, यानी कि लेफ्ट साइड से जब आप 3 की तरफ आ रहे हैं तो आपके इस x माइनस 3 का आंसर जो है वो नेगेटिव आ रहा है, और जब आप राइट साइड से 3 के करीब आ रहे हैं तो यहां पर नंबर अगर 4 है तो यहां पर आपके पास 3.1 है, फिर 3.2, 3.3, 3.4, 5, 3.6, 3.7, 3.8, देन 3.9 और उसके बाद 4 आता है। तो यहाँ 3 के सबसे करीब नंबर राइट साइड से 3.1 है। अब जब मैं यहाँ x की जगह पर 3.1 रखती हूँ तो 3.1 माइनस 3 करूंगी, आई गेट प्लस 0.1। इसका मतलब जब मैं राइट साइड से 3 के करीब आ रही हूँ, राइट साइड से जब मैं 3 के करीब आ रही हूँ तो मेरे सारे नंबर्स ग्रेटर देन 3 हैं। ठीक है, जब भी आप राइट साइड से किसी नंबर को अप्रोच करोगे वैल्यूज आपके पास इससे बड़ी होंगी, क्योंकि यहाँ 3 से बड़े नंबर आते हैं सारे। ठीक है, लेकिन जब आप लेफ्ट साइड से 3 को अप्रोच कर रहे हैं तो आपके नंबर्स जितने भी हैं वो आपके 3 से छोटे हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा कि जब x मेरा छोटा है 3 से, तो आपने देखा कि जब आपने यहाँ 3 से छोटी वैल्यू रखेंगे तो आपको पता है आंसर नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो मैंने लिखा फिर मेरी एब्सोल्यूट का आंसर नेगेटिव में आएगा, लेकिन जब मैं 3 से बड़ी वैल्यू रखूंगी तो मेरा आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो मैंने लिखा कि मेरी इस एब्सोल्यूट का आंसर अब पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको ब्रेक किया, एक दफा मैंने माइनस के साथ लिखा, एक दफा मैंने प्लस के साथ लिखा। अब लिमिट माइनस वन से 5 है तो देखें लिमिट कैसे ब्रेक करनी है। लिमिट आपकी जो दी हुई है उसने दी हुई है माइनस वन से 5। ठीक है, मेरी जो वैल्यूज आ रही हैं नेगेटिव एक्स माइनस 3 के साथ। ठीक है, ये जो चीज आ रही है, ये मेरी ये जो चीज आ रही है, ये किसके लिए है, एक्स इज लेस और इक्वल टू 3 के लिए। ठीक है, ये चीज मेरी आ रही है लेस देन 3 तक के लिए, तो मैंने लिमिट को ब्रेक कर लिया माइनस वन से लेकर 3 तक। ठीक है, और ये जो आंसर्स प्लस में आ रहे हैं ये 3 से बड़ी वैल्यूज के लिए आ रहे हैं, तो फिर मैंने बाकी लिमिट मैंने लिखी 3 से लेकर 5 तक, यानी कि मैंने रखना माइनस वन से 5 तक ही है, बीच में ब्रेक पॉइंट मेरा क्या है 3 है। तो मैंने माइनस वन से 3 तक एक इंटेग्रल की लिमिट ले ली, दूसरे की 3 से 5 तक ले ली। ठीक है, अब आप इसको इंटीग्रेट कर लें जैसे आप इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट मैंने कैसे किया, ये माइनस एक्स के साथ भी आपका डीएक्स है और ये माइनस माइनस प्लस 3 के साथ भी आपका डीएक्स है, यानी कि इंटीग्रल मैंने एक्स के ऊपर भी अलग कर लिया और 3 के ऊपर भी अलग कर लिया। 3 के साथ आपने देखा आपका प्लस का साइन आएगा और एक्स के साथ आपका माइनस का साइन आएगा, वो माइनस मैंने इंटेग्रल से बाहर निकाल दिया। यहां पर भी इंटेग्रल आपका एक्स के साथ भी अप्लाई होना है और आपका 3 के साथ भी अप्लाई होना है, तो मैंने यहां पर लिखा एक्स डी एक्स और माइनस 3 डी एक्स। ठीक है,
इस हिस्से की लिमिट आपकी 3 to 5 है, तो इन दोनों के ऊपर मैंने लिमिट लगा दी 3 to 5 और 3 to 5, और इस पोर्शन पे आपकी लिमिट -1 से 3 है, तो इसके ऊपर लिमिट लगा दी मैंने -1 से 3 और -1 से 3। अब आप इंटीग्रेट करते हैं, जब आप x को इंटीग्रेट करते हैं, अब आपको आई होप क्लियर है कि जब आप x को इंटीग्रेट करते हैं आपके पास आ जाएगा x² over 2, लिमिट है -1 से 3, 3 कांस्टेंट है, मैंने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेट आपने सिर्फ dx को करना है, जब आप dx को इंटीग्रेट करेंगे ये d इंटीग्रल से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास x आ जाएगा, लिमिट आपकी जाएगी -1 से 3, ठीक है, लिमिट -1 से 3। यहाँ पे भी जब आप x को इंटीग्रेट करेंगे यू गेट x² over 2, लिमिट इस दफा आपकी 3 से 5 है, यहाँ पे -3 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा। जब ये डेरिवेटिव और इंटीग्रल एक दूसरे के साथ आएंगे तो ये कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, आपके पास यहाँ पर सिर्फ x रह जाएगा और लिमिट आपके पास है 3 to 5, ठीक है, लिमिट आपके पास है 3 to 5। अब आप लिमिट पुट कर दें, ये -1 over 2 मैंने साइड पे कर लिया, x की जगह पर एक दफा मैंने रखना है अपर लिमिट, माइनस x की जगह पर एक दफा लिखनी है लोअर लिमिट, यहां पे मैंने लिखा 3 का स्क्वायर, फिर माइनस, और यहां पर x की जगह पर मैंने लिखा -1 का स्क्वायर, ठीक है, ये जो माइनस था इसको मैंने यहां बाहर निकाल लिया, यहां पर मैंने लिखा ये +3 आया, डेरिवेटिव इंटीग्रल से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास x आएगा, लिमिट है -1 से 3। यहां पे भी मैंने 1 over 2 साइड पे कर लिया, एक दफा x की जगह पर मैंने 5 रखना है ऊपर स्क्वायर वैसे ही, ठीक है, फिर माइनस का साइन आएगा, एक दफा x की जगह पर मैंने अपनी लोअर लिमिट यानी कि 3 पुट करना है, तो आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर, ये -3 मैंने साइड पे कर लिया, एक दफा x की जगह पर मैंने 5 रखा, फिर माइनस का साइन डाला, एक दफा मैंने x की जगह पर लोअर लिमिट यानी कि 3 रखी, तो ये 5 - 3 मेरे पास 2 आ जाएगा, 3 × 2 करेंगे यू गेट 6, 5 का स्क्वायर लेंगे आपके पास 25 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आ जाएगा, 25 - 9 करेंगे यू गेट 16, ठीक है। यहां पर जब x की जगह पर मैंने अपर लिमिट पुट की मेरे पास 3 आ गया, फिर माइनस का साइन डाला, फिर x की जगह पर मैंने लोअर लिमिट पुट की -1, तो ये -1 प्लस हो जाएगा, 3 + 1 आ जाएगा आपके पास, ये बाहर वाला 3 आपके पास एज इट इज, यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिया 9, -1 का जब स्क्वायर लेंगे वो +1 हो जाएगा, -1 का जब स्क्वायर लेंगे आपके पास +1 हो जाएगा, और ये वाला -7 वैसे ही, तो आपके पास 9 - 1 आ जाएगा, 9 - 1 8, ये 2 1s are 2, 2 4s are 8, आपके पास -4 आ जाएगा, 3 + 1 4, 4 × 3 करेंगे 12, ये 2 1s are 2, 2 8s are 16, तो यहां पर आपके पास 8 आ जाएगा, ये वाला -6 आपके पास एज इट इज। अब अगर देखें तो 12 + 8 = 20, -6 और -4 -10, तो 20 - 10 करेंगे यू गेट 10, नेक्स्ट हम अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है जी, मेरे पास cos x की एब्सोल्यूट है और लिमिट है 0 से π, ठीक है, अब इसका आंसर भी एक दफा माइनस में आना है, एक दफा प्लस में आना है, अब माइनस में किस पॉइंट पे आएगा और प्लस में किस पॉइंट पे आएगा, तो देखो लिमिट उसने आपको बोली 0 से π तक, आपको पता है यहां आपका 0 होता है, यहां आपका पाई होता है, इसका मतलब है वो सिर्फ इन दो पोर्शंस की बात कर रहा है, यानी कि वो बात कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट की और वो बात कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट की, ठीक है, थर्ड और फोर्थ की वो बात ही नहीं कर रहा, यानी वो सेमी सर्कल की बात कर रहा है। यहां पर आपको पता है 0 से π के दरमियान यहां पर आपका π/2 होता है, ठीक है, तो आपको पता है आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब कॉस और टेन सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, ठीक हो गया, यानी कि इस पोर्शन में आपका कॉस नेगेटिव है, तो जब आप 0 से π/2 तक लिमिट लोगे, 0 से π/2 तक लोगे तो आपका कॉस पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, और जब आप π/2 से आगे की तरफ आओगे तो कॉस आपका नेगेटिव आएगा, तो मैंने लिखा है कि जब मैं बात कर रही हूं ग्रेटर देन π/2 की, यानी कि π/2 से आगे की, तो मेरा कॉस नेगेटिव है क्योंकि मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाऊंगी, लेकिन जब तक मैं बात कर रही हूं π/2 और π/2 से पीछे की, तो वहां पर मेरा कॉस पॉजिटिव है, ठीक है, तो लिमिट भी फिर कैसे ब्रेक होगी, एक दफा 0 से π/2 आएगा, एक दफा π/2 से π आएगा, ठीक हो गया।
तो अब आप देखो मैंने लिमिट ब्रेक किया, मैंने लिखा है जीरो से पाई बाय टू, पाई बाय टू से पाई। अब सवाल ये पैदा होता है जीरो से पाई बाय टू में कॉस आएगा कि जीरो से पाई बाय टू में माइनस कॉस आएगा। तो जीरो से पाई बाय टू में कॉस आएगा, क्यों? यहां पर आपने खुद लिखा x इज लेस और इक्वल टू पाई बाय टू, यानी कि जब आप पाई बाय टू और उससे पीछे की बात करते हो तो ये आपका पहला क्वाड्रेंट है, यहां पर कॉस पॉजिटिव है। जब आप पाई बाय टू से पाई की बात करोगे फिर आपने माइनस कॉस एक्स लिखना है, ठीक है? तो कॉस की इंटीग्रेशन आपके पास होती है साइन एक्स, लिमिट है आपके पास जीरो से पाई बाय टू, ये माइनस बाहर निकाल लें। कॉस की इंटीग्रेशन आपके पास होती है साइन एक्स, लिमिट आपके पास है पाई बाय टू से पाई, ठीक है? अब यहां पर मैंने साइन एक्स की जगह पर एक दफा लिखा साइन पाई बाय टू, फिर माइनस एक दफा साइन एक्स की जगह पर लिखा साइन जीरो, ये माइनस मैंने बाहर ही रहने दिया। यहां पर एक दफा मैंने साइन एक्स की जगह पर साइन पाई यानी कि अपनी अपर लिमिट पुट की है माइनस, और एक दफा लोअर पुट करनी है तो जब आप यहां एक्स की जगह लोअर लिमिट पुट करेंगे यू गेट साइन पाई बाय टू, साइन जीरो जीरो, साइन पाई बाय टू वन, ये माइनस वैसे ही साइन पाई जीरो, साइन पाई बाय टू वन, और ये जो माइनस है वो साथ वैसे ही आ गया। अब ये वन आएगा, ये जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, ये जीरो लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो वन प्लस वन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा टू, ठीक है? तो ये दो ही क्वेश्चंस थे जो एब्सोल्यूट वैल्यू में थे आपके एक्सरसाइज 7.1 के, वो दोनों जो है हमने इस लेक्चर में कवर कर लिए हैं। आज के लिए इतना ही काफी है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।